सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल लिविंग लाइफ व्लॉग्स। और इस वीडियो में जैसे आप देखे होंगे सब्जेक्ट लाइन में, मैं बात करूंगा जेस प्ले, जो एक चाइल्ड का यू नो इन्फेंट और टॉडलर्स का प्लेइंग एरिया है। तो ये था नेक्सस मॉल इन सी वुड्स, जो पहले सी वुड्स ग्रैंड सेंट्रल के नाम से था, अब उसका नाम चेंज होकर नेक्सस मॉल हुआ है। सो वहाँ हम लास्ट सैटरडे गए थे, लास्ट टू लास्ट सैटरडे। वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, तो उसमें इज इट वर्थ गोइंग देयर और हाउ इट इज इट गुड फॉर योर किड्स, कैन दे एंजॉय, क्या क्या ऑप्शंस है उस प्ले एरिया में, ये सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई एम इंश्योर्ड कि ये 10 मिनट के अंदर का वीडियो हो ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल दी एंड, आपको पता चलेगा कि आप बच्चों को लेके जा सकते हो या नहीं। सिमिलर वीडियो मैंने पिकअप का किया था जो गोरेगांव सॉरी मलाड़ में है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर इफ़ यू वांट। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू गेट टू नो कि एक अच्छा किड प्ले एरिया कैसे होना चाहिए। मैं वाइल कंपेयरिंग विद पिकअबू एंड जस्ट प्ले का तो मैं आप इस वीडियो में देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, अगर बने रही लास्ट तक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड लाइक और कमेंट तो आपका हक बनता ही है। चलो तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, ये है वो चाइल्ड प्ले एरिया जस्ट प्ले जो नेक्सस मॉल में है। ये सेकेंड फ्लोर में है बेसिकली, एंड ये फर्स्ट फ्लोर में शायद हुआ करता था, और इन्होंने ये अभी फ़िलहाल मेकशिफ्ट के लिए इन्होंने ये लगा के रखा है। जो एक्चुअल वाला है उसका सम चेंजेस दे आर कमिंग अप, और उसका यू नो रिकन्स्ट्रक्शन टाइप का हो रहा है। एंड फिलहाल ये सेटअप आपको दिखेगा जस्ट प्ले का। ये आपको ये हार्ड रॉक कैफ़े के साइड में ही मिलेगा, एंड जो एंटरटेनमेंट जोन है इनका उसके लग के हुए ही है। नॉट अ बिग एरिया बट कैन बी मैनेज्ड, छोटा सा ही है। एंड इसके चार्जेस आपको बता देता हूँ, 250 रुपीज़ है हाफ एन आवर के, एंड 250 रुपीज़ के हिसाब से आई थिंक यू नो प्ले आइटम्स थोड़े कम है, बट स्टिल मैनेजेबल इफ़ यूर किड एन्जॉय विथ इवन अ सिंगल पेयर ऑफ खिलौना देयर ना, इट इज़ वर्थ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर एक्साइटमेंट एंड देयर फन टाइम। सो हम अगर ऐसे अडल्ट देखेंगे तो आपको एक कम लगेगा, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ मनी, और बच्चों के लिए वैल्यू ऑफ मनी अभी उनको नहीं पता। उनको तो बस पता है कि 4 खिलौने मिल गए और घंटों बैठेंगे, दे मस्ट बी हैप्पी विद दैट, तो देयर हैप्पीनेस मेक्स मोर सेंस देन मनी ऑब्वियसली। सो ये है वो, और हम करीब करीब 5:30 बजे अंदर गए, आधा घंटा तक खेले, और क्या खेले तो ये खेले। हमारा लड़का गया अंदर, यू हैव दिस कार्स विच स्टीयरिंग घुमाने में घूमता नहीं है तो पैर से करना पड़ता है, विच माई सन प्लेड वेरी वेल। थोड़ा शाई टाइप का है माई सन, बट मिंगलिंग इज लेस बिकॉज ही बींग अ कोविड बेबी 2018-19 में बॉर्न हुआ था, एंड 2 ईयर्स तो इनके वैसे भी चले गए। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे बच्चों को अभी फ़िलहाल एक्सपोजर्स अच्छा सा दे, एंड यू नो यू गो विद देम एट एंड सोशलाइज विद अदर किड्स। सो स्कूल में तो जा ही रहा है अलॉन्ग विद दस, आई थिंक दिस ऑल थिंग्स कैन एक्साइट हिम, सो दैट इज़ द रीज़न वी डू टेक हिम आउटसाइड, एंड दिस इज द एंटायर व्यू ऑफ दिस प्ले एरिया। उनके पास कुछ स्लाइड्स है 2-3, एक पॉन्ड टाइप का है जिसमें वो सॉफ्ट बॉल्स है, एंड दिस स्लाइड हैज़ सम मेजर फॉल्ट, आई विल शो यू लेटर, आप देख सकते हो। एंड उसके नीचे है ये किचन सेट, माई सन लव्स टू बी इन द किचन, वो किचन के सारे आइटम के साथ खेलेगा, बी इट फ्रिज, बी इट ओवन, बी इट नाइव्स, वॉट एवर, वो कुकिंग टाइप का करेगा, प्लेट में सर्व करेगा, ही लव्स, आगे जाके शायद शेफ बन जाए, तो वो उससे मेरे को चौंकना मत, हो सकता है आगे जाके शेफ भी बन जाए, इट डिपेंड्स ऑन ऑल हिज स्किल्स आगे जाके कैसे ही होन्स इट। एंड सो ये आप आगे देखिए, थोड़ा सा आई विल स्टॉप माई सेल्फ हियर, यू जस्ट व्यू कि क्या है क्या नहीं, हाउ माई सन एन्जॉयज, और वो क्या क्या आइटम्स वहाँ पे है बच्चों के लिए खेलने के लिए, इज़ इट वर्थ और नॉट, मैं आपको आखिर में बताऊँगा। अगर आप भी गए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा जस्ट प्ले एट नेक्सस मॉल सी वुड्स। सो आई विल कंटिन्यू, वेलकम एट द एंड।
सो फाइनली मेरे वाइफ को अंदर जाना पड़ा टू पिक हिम अप फ्रॉम द किचन एरिया सो दैट ही कैन एंजॉय रेस्ट ऑफ दी यू नो प्ले एरिया, ताकि वो कुछ कभी लेगो से खेले या स्लाइड में जाए या फिर वो पॉन्ड में खेले या कार से खेले. उसके लिए मेरी वाइफ को अंदर जाना पड़ा, वो तो वहाँ से उठ ही नहीं रहा था. सो दैट्स द रीज़न शी वेंट इन. और देखते हैं माई सन्स लव फॉर किचन एंड यूटेंसिल्स एंड कुकरी, कोई उसको नहीं रोक सकता. देखो वहाँ से भाग के जैसे ही वो एरिया खाली हो गया वापस चला गया वहाँ पे खेलने. कितना भी इसको बोला जाए इसको किचन से खेलना बड़ा पसंद है. अब इसको लेगो के पास लेके आया सो दैट ही प्ले सम लेगो गेम्स, बट नो ही वेंट अगेन टू किचन एरिया विच इज ओके. आई मीन लेट हिम प्ले, ही वॉज एंजॉइंग हिज कंपनी देयर. एंड अब यू कैन से वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू से इज़ कि यहाँ पे 1 to 7 ईयर्स तक का यू नो एज ग्रुप कैन कम इन एंड प्ले, एंड 1 to 3 के एज ग्रुप में कंपल्सरली एन अडल्ट हैज़ टू बी देयर विद द किड, एंड बिलो 3 ईयर्स के बच्चों को डायपर्स इज कंपल्सरी और पहन के ही अंदर जाना है. तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स आई थॉट आई विल टेल यू. अम्मा घुमाएगा स्लोली. इसमें जाओ इसमें जाओ. सो अब इस जंग के मैदान में खतरों से खेलने के लिए मुझे जाना पड़ा और मेरी वाइफ बाहर आ गई सो दैट मैं इसको थोड़े स्लाइड्स में घुमाऊँ, थोड़ा स्लाइड से इसको स्लाइड कराऊँ. एंड यू नो और वो ही ऑल्सो प्रेफर्स कि पापा आ जाए तो आई फील वेरी सिक्योर. सो मेरे को उसने बुलाया. ऑल्दो हम दोनों को हंसी आई बट दैट वॉज एन अनकंट्रोल्ड स्लाइड, जो उसको हाथ पकड़ना चाहिए था. तो मैं डिज़ाइन को गलत बोलूँगा या पता नहीं, आप लोग बताओ मुझे. डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब था. अगर फ्री फ्लो आता है कोई बंदा उसमें से तो ही शुडन्ट बी यू नो ऐसा क्रैश फॉल हो जाए. इसलिए मैं अगली बार वापस उससे कराया और हाथ पकड़ के कराया. उसने भी दूसरा हाथ दूसरी तरफ पकड़ा था. इस बार वो प्रॉपरली आया बट स्टिल अ बिट अनकंट्रोल्ड आया. मे बी इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ड्रेस आप पहनते हो, यू नो कुछ कपड़े चिपका रहता है, कुछ एकदम ही स्लाइड हो जाता है. तो दैट डजेंट मैटर, आई वॉन्ट से फॉल्ट है, बट थोड़ा सा उसको थोड़ा खींच के लंबा करते तो प्रॉपरली कोई भी बच्चा नीचे अच्छे से स्लाइड करके आ जाएगा. और दोस्तों बाय एनी चांस आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मेरे चैनल में वैरायटी टाइप्स के वीडियोस आते हैं, मेरा कोई फिक्स टॉपिक नहीं है बट आई एम श्योर हर वीडियो किसी न किसी के काम आता है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सरप्राइज टॉपिक पे वीडियो मिले तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा मेरा चैनल.
नो अगर किसी को सीखना है कि यू नो स्पेस कैसे दे, प्राइवेट स्पेस किसी को कैसे दे डिस्टर्ब ना करे, तो मेरे लड़के से सीखे। वो वहाँ जाके आया, वहाँ देखा कि किचन में भाई कोई और बच्चा खेल रहा है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो वापस आया स्लाइड में खेलने के लिए। सो ही इज़ वेरी चूजी कि मैं जब मैं खेलूँगा मैं अकेले खेलूँगा। अगर किचन एरिया के बाद अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो है ये स्लाइड, यू नो विच स्टेप्स एंड रिवर क्रॉसिंग टाइप का, सब खतरों के खिलाड़ी टाइप का आइटम्स में से वो घुस के आया। सो ही एंजॉयड दिस एज अ यू नो सेकेंड थिंग। तो ये दो तीन बार चार बार खेलता ही रहा, खेलता ही रहा, खेलता ही रहा, जब तक उसका किचन एरिया खाली ना हो। उसके बाद में फिर वहाँ मुझे लेके गया वहाँ पे। सो ऐसा है कि नेक्सस मॉल में जो सेकेंड फ्लोर है पूरा का पूरा एयर स्पेस नाम दिया गया है उसको, जिसमें आपके ईटरीज है, काफ़ी सारे प्ले एरिया है, गेम जोन है एंड एक बहुत सारे चीज़ें हैं जो बच्चों से लेके बड़ों को आकर्षित करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका भी कभी रिव्यू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपके लिए रिव्यू लाने के लिए यहाँ से। तो फाइनली हाल ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं गया था उसको कंट्रोल करने, बट इन शॉर्ट उसके कंट्रोल में हम आ गए और मुझे वहाँ पे उसने बिठा लिया, पूरा खाना तैयार करके मुझे उसने अपने हाथों से भी खाना खिलाया और उसने अपने मम्मी के लिए भी खाना तैयार करके रखा था। ये दोनों खिलाने के बाद ही उसने मुझे वहाँ से उठने का मौका दिया। तो ये हुनर है जो मेरे बच्चे में अभी उभर के आ रहा है, कुकरी। तो देखते हैं दोस्तों, यही था मेरी तरफ से आज। अभी टाटा बाय बाय करने का टाइम आया है, अभी उसको खींच के मुझे बाहर ले जाना है। होपफुली मेरे साथ बाहर निकल जाए आराम से, I'm going. अपने घर में निकल जाए। Let's see. चलो रख रहे, जल्दी आ जाओ। आई एम गोइंग अद्वय, बाय बाय। चलो चलो जल्दी चलो, कम होल्ड माय हैंड, कम कम, हाँ चलो चलो जाना है। वो आंटी मारेगी अभी, टाइम हो गया, जल्दी चलो, कम बाद में कम। चलो वो आंटी को टाटा बोला, सबको टाटा बोलो, चलो चलो टाटा। हाँ तो दोस्तों, ये था जस्ट प्ले का रिव्यू आपके लिए, चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर जो सी वुड्स नेक्सस मॉल में था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी भी आपको कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। एंड दैट्स ऑल दिस इन दिस वीडियो। दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिविंग लाइफ व्लॉग। टाटा बाय बाय, जय हिंद।